दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एशियन डीबीसी। तो दोस्तों, इन जो दो मुर्गे हैं ना, इनको गौर से देखिएगा। पहले आप देखिए, इसके बाद में मैं बताता हूँ कि ये क्यों होता है, क्यों हो जाती है मोर्टलिटी, इसका क्या रीज़न है, बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो शायद दोस्तों, इन दो मुर्गों को देख करके आपने समझ लिया होगा कि इसमें दिक्कत क्या है। यानी कि जब कभी भी दोस्तों सीआरडी वगैरह बीमारी होती है ना, तो उसमें चूजे आपके क्या करते हैं कि वो मुंह ऊपर करके और ज़ोर ज़ोर के लंबे सांस खींचना शुरू कर देते हैं। ऐसे में जब वो ऊपर करके मुंह सांस लेना शुरू कर देते हैं ना, तो होता ये है कि जैसे मान लीजिए कि कभी कभी आपने देखा होगा कि फटफटा के तड़फड़ा के मुर्गे की मोर्टलिटी होती है। ऐसे बहुत बार आपने देखा होगा फार्म में कि हल्की सीआरडी है या सीआरडी मतलब थोड़ी बहुत भी है, तो उस सिचुएशन में मुर्गे ना एकदम से फटफट करके और मर जाते हैं। तो मरने का रीज़न जानते हैं क्या होता है, कैसे मरते हैं? जैसे अभी ये सांस ले रहा है, मान लीजिए अभी इसका नाक जो है, श्वास नली जो होती है दोस्तों, वो चल रही है, तब तक ठीक है। अब जैसे ही इसका गला और नाक दोनों बंद होगा ना, तुरंत ये जो मुर्गा है दोस्तों, ये पूरी तरीके से तड़फड़ाएगा, उछलेगा, कूदेगा, और उछलने कूदने के बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि ये उसी बीच में अगर नाक नहीं खुला तो दम घुट के ये मर जाएगा। ये सडन डेथ में भी आता है दोस्तों, ऐसा जब कभी भी होता है तो समझ लीजिए कि वो सडन डेथ में भी आता है। लेकिन अभी जो ये दिक्कत है ना, दिक्कत के लिए दोस्तों दो चीज़ें हैं। इसमें सीआरडी नहीं है, सीआरडी थी, अभी कुछ परसेंट, जैसे कि मान के चलिए कि 5% सीआरडी बची हुई है, 5% के पीसेस में। तो उसके लिए दोस्तों हमें इनका नाक साफ हो जाए, इसके लिए जैसे बेंजोडीटी हो गया, फार्मोलिन हो गया, इन दो चीज़ों को आप स्प्रे करेंगे, स्प्रे कराइए। और इसके बाद में दोस्तों स्प्रे कभी भी करवाइए तो सुबह के टाइम पे करवाइए या तो शाम के टाइम पे करवाइए, लेकिन पर्दा बंद करके करवाइए। स्प्रे करके थोड़ी देर के लिए आपको फार्म से बाहर चले जाना है, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा ऐसा आपको फील आएगा, पूरा एकदम स्मेल बहुत ही अलग डर्टी टाइप से आएगी, तो उसमें रहना नहीं है। और दोस्तों इसके लिए ना जो मैं काढ़ा बताता हूँ, ये काढ़ा, क्योंकि दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि इसमें ज़्यादा मैंने कुछ दवाएं नहीं लगाई थी सीआरडी के लिए, क्योंकि सीआरडी में अगर आप ज़्यादा हाई एंटीबायोटिक्स देना शुरू कर देंगे और उसके साथ में क्या नाम कफ सीरप वगैरह, तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसी दवाएं हैं ना जो लास्ट सीमा के लिए होती हैं, यानी चरम सीमा, उसके बाद दवाओं का कोई भी दवा लगा दीजिए बेअसर निकल जाएगी। तो इसीलिए शुरुआत में अगर सीआरडी आए दोस्तों, तो आप लोगों को पहले नॉर्मली जैसे मान लीजिए हर्बल प्रोडक्ट्स को यूज करना है, हर्बल से नहीं ठीक होता है तो थोड़ा उसके ऊपर और जाएं, अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल करें, लेकिन थोड़ा सा जब बिल्कुल ये देखें कि हाँ अब नहीं चलना है, ट्रॉक्स वगैरह जो दवाएं हैं दोस्तों, ये सब एकदम अंतिम के लिए होती हैं। यानी जब सीआरडी बिल्कुल ऐसा लगने लगे कि अब मेरा फार्म जाने वाला है, तो हाई एंटीबायोटिक और कफ सीरप और ये जो ट्रॉक्स है, ये सारी चीज़ें उस टाइम की दवा होती है, ना कि उसके पहले ही आप अगर ऐसी दवाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर बाद में अगर बीमारी आएगी तो कोई दवा और काम नहीं करेगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर मुर्गे ऊपर मुंह करके और मुंह खोल के सांस ले रहे हैं, उनका नाक दबाने पे आप कुछ से नाक निकलता है, तो समझ जाइएगा कि सीआरडी का लक्षण है। उससे आप लोगों को ज़्यादा घबराना नहीं है, काढ़ा और स्प्रे, ये दो चीज़ें कंटिन्यू करते रहना है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर अगर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।